ईडी मॉर्निंग शो के सेट पर आज संविधान की एक कॉपी पड़ी है हम संविधान को नमन करते हैं संविधान निर्माताओं का आभार व्यक्त करते हैं 26 नवंबर उन्नीस एक महत्वपूर्ण तिथि थी जब संविधान सभा ने भारत के संविधान को स्वीकारा अंगीकार किया और 26 नवंबर 2024 भारत के संविधान की पिचत्तरवीं वर्षगांठ मनाई गई इस उत्सव पर भारत सरकार ने बहुत से विशेष कदम लिए हैं उद्देश्य है कि जन जन भारत के संविधान को बेहतर समझे और राष्ट्र प्रथम की जो भावना है और प्रबल हो क्या आप जानते हैं कि भारत के संविधान में बहुत सी ऐसी चित्रकलाएं हैं जो भारत की सुंदर संस्कृति और सभ्यता को दर्शाती हैं आज इस विषय पर बातचीत के लिए शो में हमारे साथ हैं श्री अरुनीश चावला नमस्कार आप सचिव हैं संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार में तो अरुणीश जी अगर हम जन सहभागिता की बात करें कैसे पचहत्तरवीं वर्षगांठ पर जन जन देश का नागरिक संविधान को बेहतर समझ सकता है जैसा कि आप जानते हैं कल 26 नवंबर 2024 को संविधान की पचहत्तर वर्ष की यात्रा पूरी हुई और इस वर्ष पर संसद सेंट्रल हॉल है वहाँ पर माननीय राष्ट्रपति दी की अध्यक्षता में एक समारोह आयोजित किया गया और इस अवसर पर आ, एक स्पेशल कैंपेन वेबसाइट बनाया गया है जिसका नाम बहुत सरल है कॉन्स्टिट्यूशन सेवेंटी सभी नागरिकों से अनुरोध है कि उत्साह से इस पर्व में हिस्सा लें आप फोन पर हों टैबलेट पर हों लैपटॉप पर हों कंप्यूटर पर हों जहाँ भी हों आप अपने सर्च इंजन में आप कॉन्स्टिट्यूशन सेवेंटी फाइव डॉट कॉम अगर आ, टाइप करेंगे तो आपको कैंपेन वेबसाइट पर वो लिंक आपको दिखाई दे जाएगा आप आराम से चले जाएंगे और कैंपेन वेबसाइट पर आ, हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान लिखा आपको दिखाई देगा और उसके नीचे एक छोटा सा बटन है पार्टिसिपेट अच्छा आ, आप पार्टिसिपेट बटन पे क्लिक करेंगे जी। तो आपको चार सिंपल स्टेप बताएगा कि आप अपना नाम उम्र और इत्यादि भरें ताकि आपका सर्टिफिकेट जनरेट हो सके आप नेक्स्ट बटन क्लिक करेंगे तो प्रीएम्बल आ जाएगा संविधान का आप अपनी भाषा में उसे पढ़ सकते हैं आप भाषा सेलेक्ट करें उस भाषा में प्रीएम्बल आपके सामने आ जाएगा आप उसे पढ़ें कैंपेन वेबसाइट अपने आप, आपकी रिकॉर्डिंग कर लेगा और आप उसको अपलोड करेंगे तो आपका संविधान पढ़ते हुए जो आपका वीडियो है वो वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगा और आपके नाम से सर्टिफिकेट जनरेट होगा और आपको वो सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि आपने आ, भारत के संविधान की सेलिब्रेशन में हिस्सा लिया और प्रियम्बल हमारे संविधान का हार्ट एंड सोल है बिल्कुल भारत उसकी उसकी आत्मा, की है. आत्मा है भारत का प्रियम्बल प्रस्तावना मैं गया था इस साइट पे कॉन्स्टिट्यूशन सेवेंटी फाइव डॉट कॉम आप सभी जरूर जाइए ये जो आपने इंटरेक्टिव बनाया है और प्रियम्बल को हिंदी अंग्रेजी बहुत सी अन्य भाषाओं में रखा है तो अगर स्कूल कॉलेज के विद्यार्थी देख रहे हैं क्यों वो प्रियम्बल पढ़े क्यों वो ये सर्टिफिकेट लें हमारे संविधान का प्रियम्बल हमारे संविधान की आत्मा है वो हमारे गणराज्य की नींव है इस सिद्धांतों पर ही हमारा देश हमारा गणराज्य खड़ा है इसलिए हर नागरिक को हर युवा को आ, इसे जानना बहुत जरूरी है क्योंकि इन्हीं मूल्यों के आधार पर हम आगे बढ़कर आज इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं और आज हम विश्व शक्ति बने हैं Sir, जब कॉन्स्टिट्यूशन की बात होती है तो हमेशा यही बात की जाती है कि सबसे लंबा है, लेकिन के बारे में इतनी चर्चा नहीं होती आपसे आपने बहुत अच्छी बात कही uh, हम अक्सर कॉन्स्टिट्यूशन uh, की टेक्निकलिटीज पे ज्यादा ध्यान देते हैं लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत uh, सौहार्दपूर्ण पहलू है और वो है आर्ट इन दूशन बहुत कम लोगों को पता है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन हम बनाई गई थी तो उसकी आर्ट और उसकी कैलीग्राफी के लिए विशेष तौर पे देश भर से आर्टिस्ट बुलाए गए थे और उन्होंने महीनों की कड़ी मेहनत के बाद कॉन्स्टिट्यूशन को सुसज्जित किया था जी। आप देखेंगे जो ओरिजिनल कॉपी है कॉन्स्टिट्यूशन की उसमें कितनी खूबसूरत आर्ट फॉर्म्स शुरू से ले अंत तक है हर चैप्टर के ऊपर एक विशेष आर्टवर्क है उसके पीछे एक थीम है और वो भारतीय सभ्यता से जुड़ा हुआ है और हमारी पूरी जर्नी को दर्शाता है आ, इंडस वैली जिसे हम आज सिंधु सरस्वती सभ्यता कहते हैं जी। उसकी सील से शुरुआत होती है और सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन से पहले अशोक आ, स्तंभ है जिसे आ, बड़ी गहराई से उसका चित्रण किया गया था सेकेंड जो हमारा चैप्टर है उसमें आप देखेंगे वेदिक पीरियड को दर्शाया गया है उसमें गुरुकुल का चित्रण है तो कौन थे कलाकार जिन्होंने बनाया शांति निकेतन में आचार्य नंदलाल बोस थे अच्छा और उनके साथ देश भर के विख्यात आर्टिस्ट उस समय के जुड़े हुए थे जैसे बी आर सिन्हा जमुना सेन बानी पटेल ऐसे और एक दर्जन आर्टिस्ट थे तो जब हम इसमें इसकी रिसर्च की गई कि वो आर्टिस्ट कौन थे जिन्होंने इतना खूबसूरत डॉक्यूमेंट तैयार किया तो इन सबके नाम इन सबकी जीवनी अच्छा। इनको इन हमने निकाला है और एक कल कल माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा एक बुक बुकलेट रिलीज की गई है जिसका टाइटल है आर्ट एंड कैलीग्राफी इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वो खूबसूरत बुकलेट कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत छोटी है लेकिन उसमें जितने जितना आर्टवर्क कॉन्स्टिट्यूशन में है उस सबको दर्शाया तो गया है आम जनता ये पुस्तिका कहाँ से एक्सेस कर सकती है आ, ये पुस्तिका बहुत ही जल्दी आ, सभी बुक स्टोर सभी okay. स्टॉल्स पे उपलब्ध होगी हम इसे हर स्टेट में भी पहुंचाएंगे और इसकी एग्जीबिशन इसकी प्रदर्शनी हम आ, हर जगह करवाएंगे ताकि आ, सब लोग इसे देख सकें उन कलाकारों को जान सकें और कॉन्स्टिट्यूशन के आत्मा उसके सोल उसके हार्ट एंड सोल से कनेक्ट तो हो तो बताया अगर हम आगे बढ़ते हैं की ओर रामायण का भी description है तो आ, बहुत इंटरेस्टिंग है कि आ, इस मोहनजोदारो की सील के बाद हमें वेदिक पीरियड का चित्रण मिलता है जिसमें गुरुकुल की गुरु शिष्य परंपरा को दर्शाया गया है और वो सिटीजनशिप के चैप्टर पे है अच्छा, तो थीम भी देखिए कैसे आर्ट मिल वर्क से मिला हुआ relevance. है कि हम अच्छे नागरिक तब बन सकते हैं जब हम इस गुरु शिष्य परंपरा को हम चरितार्थ करें। कर्तव्य की बात आती है फंडामेंटल ड्यूटीज की तो महाभारत का चित्रण है नहीं। नहीं। जब राइट्स की बात आती है तो राम राज्य से कनेक्ट करने के लिए रामायण का चित्रण है और इसी प्रकार भगवान बुद्ध जब मौर्यन पीरियड आता है तो सम्राट अशोक को दर्शाया गया है कि वो कैसे बौद्ध धर्म का प्रचार कर रहे हैं भगवान महावीर को दर्शाया गया है आप देखेंगे शिवाजी महाराज को दर्शाया गया है गुरु गोविंद सिंह गुरु गोविंद सिंह को दर्शाया गया है और जब हम कॉन्टेम्प्रेरी पीरियड में आएंगे तो नेताजी बोस को आ, दर्शाया गया है तो इस तरीके से हमारे इतिहास के स्वर्णिम हर स्वर्ण स्वर्णिम काल की जो

उसकी कैलीग्राफी वसंत वैद्या जी ने की जो ओरिजिनल दो प्रतियां हैं ये कहाँ पड़ी हैं ये आ, हमारी संविधान सभा में पड़ी है अच्छा। हमारी पार्लियामेंट में रखी गई हैं और उसकी ट्रू कॉपीज हम बनवा रहे हैं इस बार अच्छा। और उसे हर स्टेट कैपिटल में ले जाया जाएगा और आर्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के साथ उसको दर्शाया जाएगा ओरिजिनल अच्छा। कॉपीज हैं इनका प्रिजर्वेंस किस तरह किया जाता है बिकॉज इट्स इट्स वन ऑफ काइंड तो किस तरह इनको संभाल के रखा जाता है उन्हें ब, आ, बहुत संभाल के सिक्योरिटी में रखा जाता है क्योंकि दुर्लभ डॉक्यूमेंट है और हमारे इतिहास का अभिन्न अंग है हुँ। हुँ। लेकिन जब हम देखते हैं, जैसा जी ने कहा उसके बॉर्डर भी अगर हम देखें रेक्टेंगुलर बॉर्डर वहां भी आर्ट वर्क है जी बिल्कुल और अगर आप देखेंगे उसमें जो बॉर्डर में आर्ट वर्क है उसमें एक जगह कोने में अगर इंग्लिश आप प्रति देखेंगे तो प्रेम लिखा होगा अच्छा। इसका मतलब है कि वो कैलीग्राफी प्रेम बिहारी रायजादा जी ने की थी और उसके बाद जहां जहां पे आर्टवर्क कॉम्प्लेक्स आर्टवर्क है और चित्र हैं हैं, जो बनाए गए तो नीचे आप देखेंगे कि जिन्होंने उसको बनाया है उनके छोटे से सिग्नेचर है और हर आर्टवर्क के पीछे अलग सिग्नेचर है इसका मतलब है कि एक गैलेक्सी ऑफ आर्टिस्ट थे उस जमाने के पूरे भारतवर्ष से

कितने उन पेनों की जो है निपट टूटी थी और कितने पेन उन लोगों ने इस्तेमाल किए थे और जैसा कि आपने बताया कि नेचुरल डाइस से बने हुए जो उस समय हम इस्तेमाल करते थे आ, उनके उ, उ, उनके उन्हीं को यूज करके जो है आ, ये आ, विशाल का डॉक्यूमेंट बनाया गया था नालंदा का भी डिस्क्रिप्शन देखा जाता है तो उससे क्या किस तरह का रेलिवेंस हम मिला सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप देखेंगे तो जो आर्टवर्क जिन्होंने किया उन्होंने बहुत ख्याल रखा कि हमारे देश की संस्कृति आ, उसका पूरा इतिहास क्रोनोलॉजिकली और देश के हर क्षेत्र की जो आर्ट है वो उसमें डिपिक्ट की जाए ताकि भारत का संविधान पूरे भारतवर्ष का संविधान हो जी, जी लेकिन जैसा आपने कहा कि अब क्योंकि संविधान की पचहत्तरवीं वर्षगांठ है ये अवसर है कि प्रत्येक नागरिक संविधान को बेहतर समझे और आज की पीढ़ी टेक्स हैवी है तो क्या टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी प्रयोग किया गया है कि इंटरेक्टिव रहे संविधान को समझना जी जो कैंपेन वेबसाइट है उस पर जैसे ही आप जाएंगे तो ऊपर मेन्यू में चार पांच बटन्स आपको दिखाई देंगे उनमें से एक है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक है नो योर कॉन्स्टिट्यूशन तो जो अच्छे से कॉन्स्टिट्यूशन को समझना चाहते हैं वे अगर मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जाएंगे mm -hmm. तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट्स okay. आ, उसके अंदर हैं। उसका इंडेक्स अगर आप देखेंगे तो आप जान सकते हैं कि हमें इस विषय पर अगर डिबेट्स देखना है कि किसने क्या कहा okay. hmm. बहुत मर्यादित तरीके से सबने अपने विचार अभिव्यक्त किए तब हमें संविधान मिला और यह एक उदाहरण है जो सबके लिए अनुसरणीय है mm -hmm. आ, इसके अतिरिक्त कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बहुत सारी कमिटीज थी हर चैप्टर के पीछे एक्सपर्ट्स थे कमिटीज थी उन कमिटीज की रिपोर्ट्स वहां पे आपको मिलेंगी इसके अलावा अगर आप सवाल पूछना चाहें आपके पास समय कम हो तो वहां पे एक नो योर कॉन्स्टिट्यूशन करके हुँ। एक चैट बॉट है अगर आप उसमें जाएंगे तो वो uh, आपको ऑप्शन देगा और uh, आप उसमें अपना सवाल टाइप करेंगे तो वो रिसर्च करके उसका सही उत्तर आपको इमीडिएटली स्क्रीन पर जी, जी बिल्कुल भारतीय संविधान के पार्ट फोर ए की बात करें तो वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करता है जहां पर ग्यारह फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं और उनमें से एक है कि जो भारत की समृद्ध संस्कृति है उसके संरक्षण में प्रत्येक नागरिक ज़रूर योगदान दे लेकिन भारत तो विविधताओं का देश है भाषाएं भी बहुत हैं जैसा आपने कहा कि हिंदी और अंग्रेजी में तो शुरू में आया संविधान लेकिन बीते कल पचहत्तरवें वर्षगांठ पर दो और भाषाओं में अनावरण हुआ है जी शुरू में कॉन्स्टिट्यूशन जैसा आपने कहा इंग्लिश और हिंदी दो भाषाओं में लिखी गई थी फिर बाद में इसका अनुवाद हुआ कई भारतीय भाषाओं में आ, और अनुवाद अभी भी चल रहा है और जैसा कि आप जानते हैं आ, संस्कृत और मैथिली भाषा में आ, संविधान का अनुवाद हो गया है जी। और उनकी प्रतियां जो फर्स्ट फर्स्ट प्रति है वो माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा कल उसको

पेन इंक यूज़ होती थी उसी के माध्यम से इसको आ, दर्शा के बनाया गया है बहुत खूबसूरत है आप देखेंगे इस किताब को तो आपको अपने आप ही आप अपने आप को गर्वान्वित महसूस करें जी बिल्कुल जब हम ये दस्तावेज़ देख रहे हैं और साथ ही हम आपको जो आर्ट वर्क भी दिखा रहे हैं उसे जब आप बारीकी से देखेंगे तो बहुत कुछ चीज़ें सामने आएंगी अब री में जब हम देखते हैं वो रेक्टेंगुलर स्क्वायर तो आप देखेंगे टॉप लेफ़्ट टॉप राइट नीचे वहाँ चार एनिमल्स हैं एलिफेंट है lion है। ये पहली नजर में नहीं दिखते। जी, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो हर चीज का वहां पे भारतीय संस्कृति से एक अभिन्न उसका एक लिंक है उसका जुड़ाव है और ये चार एनिमल्स हमारी सभ्यता में आ, इनका एक महत्वपूर्ण स्थान है आप देखेंगे अशोक स्तंभ के नीचे भी चार एनिमल्स है तो हर चीज को सोच समझ के जोड़ कर ये बनाया गया था लेकिन कलाकारों के बारे और बताइए आपने कहा कि नंदलाल बोस जी मुख्यतः कलाकार थे लेकिन उनकी पूरी टीम थी और प्रियम्बल की बात करें तो वहाँ पे डिजाइन राम मनोहर जी ने बनाया तो इन कलाकारों के बारे में जरूर जनता और जानना चाहे जी आ, उस समय शांति निकेतन एक लर्निंग का एक केंद्र था और वहाँ पे कला निकेतन था आचार्य नंदलाल बोस कनेक्टेड uh, थे फ्रीडम मूवमेंट से भी महात्मा गांधी जी से भी और उनके यहाँ पर बहुत सारे शिष्य थे और पूरे देश भर से आ, उनके शिष्य और उनके कलाकार वहाँ पे आ, काम करते थे पढ़ते थे और पढ़ाते थे तो नंदलाल बोस जी ने आ, पूरे देश के हर तरह के कलाकारों को अपने साथ लिया और उन्होंने ऐसा नहीं कि सिर्फ उन्हीं का नाम रहे उन्होंने हर किसी को मौका दिया और इसीलिए आप देखेंगे कि जहाँ भी आर्टवर्क है हर आर्टवर्क के नीचे उस आर्टवर्क को किन कलाकारों ने बनाया उनका नाम उनका सिग्नेचर टीम वर्क का अच्छा उदाहरण है। जी। 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 कहते हैं किसी भी आ, कला में उसके कलाकार का भाव दिखता है तो इसमें भी इस प्रकार के भाव दिखते हैं कलाकारों जी बिल्कुल आप अगर देखेंगे कि हर आ, हर चित्रण अपने आप में उसकी उसके पीछे एक भाव एक इमोशन है और आ, जिस तरीके से आप देखेंगे कि जो सील बनाई गई है वो बहुत स्टेटली है आ, जो गुरु शिष्य परंपरा वैदिक पीरियड को दिखाया गया है तो आप देखेंगे कि उसका चित्रण उसी प्रकार है आपको लगेगा कि आप अगर उसको ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप वन में किसी गुरु को बैक टू अब जब छब्बीस नवंबर को हमने चित्रवीं वर्षगांठ बनाई और संस्कृति मंत्रालय ने बहुत ही खूबसूरत टैगलाइन दी है हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान अब ये सेलिब्रेशन साल भर तक चलेंगी जी तो इस साल भर में क्या गतिविधियां रहेंगी इस साल भर में देश में तरह तरह के कार्यक्रम किए जाएंगे सबसे आसान है कैंपेन वेबसाइट पर जाकर पार्टिसिपेट करना पढ़ना अपनी फोटो अपलोड करके और अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड करना आपको जानकर खुशी होगी कि कल जब वेबसाइट हमने लॉन्च किया तो शाम तक वन मिलियन पार्टिसिपेशन है और ये पढ़ रहे हैं पार्टिसिपेशन ये सिंगल भी पढ़ सकते हैं प्रियम्बल और कलेक्टिवली नहीं, नहीं बिल्कुल व्यक्तिगत रूप से आप नागरिक इंडिविजुअल्स रूप से आप पढ़ सकते हैं और जहां भी आप हैं पढ़ सकते हैं आप बैठे हुए चलते हुए अपने फोन पर आराम से सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन टाइप कीजिए वहां जाइए पार्टिसिपेट दबाइए आपका कैमरा आपके सामने वेबसाइट आ जाएगा आप पढ़िए अपलोड कीजिए और सर्टिफिकेट लीजिए ये जो वेबसाइट है ये आर्ट से भी रूबरू कराएगी जो पढ़ रहे हैं उसको जी आर्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी जो है हम उस उसपे आज अपलोड कर देंगे कि अगर आप आर्ट को देखना चाहें तो जो पूरा डॉक्यूमेंट जो प्रिंटेड डॉक्यूमेंट है उसका डिजिटल फॉर्म आपको इसी वेबसाइट पर मिल जाएगा आप चाहे तो उसको डाउनलोड करें बिल्कुल कॉपीराइट फ्री है अच्छा और उसके बाद आराम से आप उसका अध्ययन कर सकते हैं बिल्कुल तो जैसा अरुणीश जी ने कहा कि संविधान में बाईस भाग है और सब भाग से पहले जो मुख्य आर्ट वर्क है वो बहुत रोचक है हम एक एक करके आपको दिखा रहे हैं ये देखिए आप तस्वीर जहाँ पे माउंटेन भी है अरुणीश जी और फिर डेजर्ट भी है ये बहुत ये बहुत जानने की बात है कि भारतवर्ष हिमालय से समुद्र तक भारतवर्ष है वो हमारा देश है वही हमारी मातृभूमि है और संविधान जब बनाया नंदलाल बोस जी ने और उनकी टीम ने तो पूरी हिस्ट्री इतिहास को दर्शाने के बाद अंत में उन्होंने हिमालय और उसके बाद समुद्र को दिखाया ये दर्शाने के लिए कि भारतवर्ष हिमालय से लेकर समुद्र तक जी, है बहुत जब भी में पूछा जाता था कि संविधान के बारे में बताइए तो अब तक अरुणेश जी हम कहते थे कि ये सबसे लॉन्गेस्ट रिटर्न डॉक्यूमेंट है हैंड है नहीं। और नहीं। हम कहते थे कि एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर जुडिशरी के रोल्स बताता है यूनियन स्टेट्स में लेकिन अब जब ये तस्वीरें देख रहे हैं ये भी तस्वीर बताइए अब हम कह सकते हैं कि संविधान में आर्टवर्क भी बहुत रिच है जी ये तस्वीर क्या कहानी और ये दिखाता है कि इंडियाज मैरीटाइम हिस्ट्री आप जानते हैं कि आ, कि चोला, चोला, से, चोला जो जो के समय साउथ ईस्ट एशिया तक जो भारत की संस्कृति है हुँ. और आपको मैं बताना चाहूंगा कि अभी हाल ही में विलियम डारलिम्पल साहब ने एक किताब लिखी है द गोल्डन रोड तो वो बताते हैं कि चाइना की सिल्क रोड तो बहुत फेमस है लेकिन वो बताते हैं कि उससे भी महत्वपूर्ण विश्व के इतिहास में इंडिया गोल्डन रोड थी। और साथ ही दो पुस्तकें भी और बनी हैं जो कि संविधान के गौरवशाली इतिहास से हमें जोड़ती हैं ये पुस्तक... वो दो पुस्तकें बनी हैं जिसको मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे okay. एक बुक है और एक बुकलेट है तो एक लिम्प है और एक उसकी विस्तृत विवेचना है और वो समेराइज करता है कि जो मेजर थीम्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उनमें जो डिबेट्स हुए उसको समेराइज करता है ताकि अगर हमें पूरी की पूरी डिबेट पढ़ना बहुत कठिन हो जाता है क्योंकि वो डेढ़ हज़ार पन्नों में है तो हम उस बुक को वो बुक बहुत शीघ्र ही जो है सभी स्टॉल्स पे बुक्स पे मिलेगी तो अगर उसको हम पढ़ें तो हम समझ सकते हैं कि जो मेजर थीम्स हैं उनके पीछे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हमारे संविधान निर्माताओं संविधान दिवस एक विशेष अवसर है ये तमाम जो हमारी पहल है कैंपेन वेबसाइट पर जा सकते हैं किताबें पढ़ सकते हैं आर्टवर्क देख सकते हैं नागरिक कैसे अपने दायित्व का निर्वाह करें सबसे पहले जागरूक होना जरूरी है हमें आ, यह जानना जरूरी है कि भारतवर्ष अब एक गणराज्य है तो उसकी नींव कहाँ है जी। उसके बाद ये जानना जरूरी है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज क्या है और हमें राइट्स तो सबको चाहिए लेकिन हमारी ड्यूटीज क्या है वो भी उतना महत्वपूर्ण है जी। तो अगर इस इसे हम सब अपने दिमाग में अपने जहन में रखें तो हम एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं और हम भारतवर्ष को सुपर पावर बना सकते हैं। जी गणतंत्र भारत की नींव है देश का संविधान और आज संविधान के विभिन्न पहलू जो कदम संस्कृति मंत्रालय ने उठाए हैं और खासतौर पे सुंदर चित्रकलाओं के बारे में बताने के लिए अरुणीश जी आपका बहुत बहुत आभार बहुत, बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू जी